क्रिकेट एक खेल है, खेल जो कभी मजे के लिए खेले जाते थे तो कभी इन्हें फिट रहने के लिए खेला गया, फिर ये सरकारी नौकरी के लिए खेले गए और आजकल बहुत सारे पैसे और ग्लैमर के लिए खेले जाते हैं। गुस्साई मत, पैसे के लिए होने वाला हर काम खराब नहीं होता है। हाँ, तो बात खेलों की हो रही थी, इन खेलों में क्रिकेट का अपना ही जलवा है। बहुत कम देशों में कायदे से खेले जाने वाले इस खेल के अरबों फैंस हैं और इन अरबों फैंस को एक बात बराबर तकलीफ देती है, इस खेल में राजनीति का घुसना। फिर चाहे वो विभिन्न बोर्ड्स में बैठे राजनीति वाले लोग हों या फिर किसी राजनीतिक कारण के चलते खेलों में आने वाली रुकावट। और आज सिली पॉइंट में हम इस टॉपिक पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया और वो भी विशुद्ध राजनीतिक कारणों से। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, इस टीम को बड़ी आसानी से क्रिकेट की सबसे कामयाब टीम कह सकते हैं और उतनी ही आसानी से इसे क्रिकेट की सबसे घमंडी टीम भी कहा जा सकता है। इस टीम ने हाल ही में अफगानिस्तान के साथ होने वाली वनडे सीरीज में खेलने से मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले पर कहा, यह निर्णय तालिबान द्वारा महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर प्रतिबंधों की हालिया घोषणा के बाद लिया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान समेत दुनिया भर में महिलाओं और पुरुषों को खेल में लाने उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही हम महिलाओं और लड़कियों के लिए बेहतर परिस्थितियों की उम्मीद में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मदद करना जारी रखेंगे। हम इस मामले पर समर्थन के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार को धन्यवाद देते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया एक ओर तो क्रिकेट के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और दूसरी ओर एक विकासशील देश के साथ होने वाली सीरीज रद्द कर रहा है। ये कैसी माया है? पहली चीज़ तो ये कि खेलकूद राजनीति से बहुत अलग चीज़ है। दोनों जितने अलग रहेंगे उतना ही सही रहेगा, क्योंकि मैदान में उतरा प्लेयर अपने खेल से लोगों को वो खुशियाँ दे सकता है जो बाकी कोई मीडियम नहीं दे सकता। क्रिकेट हो या कोई और खेल, इसे देखने वाले किसी चार दीवारी को नहीं मानते, किसी बॉर्डर को नहीं मानते और ना ही ये चीज़ खेल देखने वालों को परेशान करती है। फिर अपना हित साधने के लिए कोई बोर्ड या टीम दो देशों के बीच होने वाली किसी सीरीज को कैसे रद्द कर सकता है? तालिबान जो कर रहा है उसका समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी गलती का खामियाजा अफगानिस्तान के क्रिकेटर क्यों भुगते? उन्हें किस बात की सजा मिल रही है? क्रिकेटर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं और अगर किसी भी देश को तालिबान के राज से दिक्कत है तो उससे राजनीतिक तरीके से निपटे। खेलों को बीच में लाना कहाँ का न्याय है? अफगान क्रिकेटर्स तो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। उन्हें खेलने न देने से ना तो तालिबान का स्टैंड बदलेगा और ना ही अफगानिस्तान के हालात। ये बदलने के लिए जिस राजनीतिक दबाव की जरूरत है वो क्रिकेट की पिच पर नहीं आएगा। उसके लिए दुनिया भर के तमाम देशों को मिलकर तालिबान से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि दुनिया अब 2023 में पहुंच चुकी है। ये सदियों पहले का समय नहीं है जब किसी को गुलाम बनाकर उस पर अपनी मनमर्जी चलाई जा सके, लेकिन यह काम वही कर पाएगा जो इसके लिए ईमानदार होगा। किसी टूर को रद्द करने से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप सिली पॉइंट देख रहे थे। शुक्रिया।